आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो आपका एक माइनर पेपर है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आपको किसी भी माइनर पेपर का किसी भी सब्जेक्ट माइनर पेपर का आपको एक्सपेक्टेड एम सी क्यू प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो मेरा एक पेड कोर्स है जिसमें आप एटी रुपीज़ में वो कोर्स को परचेस कर सकते हैं ठीक है एटी रुपीज़ है माइनर कोर्स के जो भी पेपर हैं आपके चाहे यू जी पी जी बी ए बी एस सी बी कॉम भी ठीक है तो ये एटी रुपीज़ में आप इस पेड कोर्स को परचेस कर सकते हो उसमें सारी चीज़ें आपको नोट्स प्लस एक्सपेक्टेड एंसिक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इंट्रोडक्शन टू तो दीन दयाल इंट्रोडक्शन टू तो नी नाथ पंथ ये सारी चीज़ें किसी भी माइंड कोर्स का अगर आप पेपर लेना चाहते हो ठीक है काफ़ी बच्चों ने इसका फ़ायदा लिया है काफ़ी बच्चों ने इसको परचेस किया है आप भी इसको खरीद सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा गया सबसे पहला सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको काफ़ी एग्जाम में पूछने देखने को मिलेंगे सही यहाँ पर क्या है कौन सा वर्ड है टॉम टम टॉम की ट्यूम तो टी ओ एम बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही नेक्स्ट सेलेक्ट द सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड देखिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ठीक है करेक्टली स्पेल हिंड्रेंस इंश्योरेंस कॉरेस्पॉन्डेंट की इंश्योरेंस तो यहाँ पर करेक्टली क्या हो जाएगा सबसे सही शब्द वर्ड कौन सा है कॉरेस्पॉन्डेंस सी ऑप्शन नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड कैरेक्टर कैरेक्टर देखिए बोलने में सब सेम है लेकिन आपको सही बताना है तो क्या होता कैरेक्टर सी एच ए आर ई सी टी आर ए ऑप्शन बिल्कुल सही नेक्स्ट है मार्क द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन एफेबल इन फैलेबल इन एसेसिबल इन विंसिबल तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या हो जाएगा इन फैलेबल ठीक है नेक्स्ट है सेलेक्ट दी करेक्टली बताना था अब यहाँ पर रॉन्गली स्पेल कौन सा वर्ड गलत है टमोरो सही है डिस्क्रिप्शन सही है पैरशल सही है लेकिन डिग्रेजन सही नहीं है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है द एजेंडा फॉर मीटिंग इज डैश द नोटिस फॉरवर्ड इन सब्सक्राइब टू इनक्लोज विथ की डिलवर्ड इज तो द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज़ क्या हो जाएगा इनक्लोज विद द नोटिस सी ऑप्शन बिल्कुल सही देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं ऐसे ही अगर आपको सारे जो भी माइंड पेपर है प्रीवियस ईयर को चाहिए एक्सपेक्टेड एम चाहिए तो वो आप उस पेड कोर्स में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारे कंटेंट उसमें प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आपकी एटी रुपीज़ है उसे आप परचेस कर सकते हो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो सकते हो पर्सनली मुझे मैसेज करना वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी नेक्स्ट है द कंट्री एकनॉमिक ग्रोथ वॉज एडवर्सली डैश बाई पोलिटिकल एंस्टा रिफ्लेक्टेड एफेक्टेड एफेक्टेड की एक्सपेक्टेड तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एफेक्टेड द कंट्री एक्नॉमिक ग्रोथ वॉज एडवर्सली एफेक्टेड बाई किसके द्वारा पोलिटिकल एंस्टा के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिटेशन इज अ डैश वे टू क्लाइम वन नर्व ए बेस्ट द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट की द बेटर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दैट इज़ द बेस्ट मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू क्लाइम वन नर्व नेक्स्ट है द ऑडियंस वॉच द क्लाउंस डैश देयर एक्ट परफॉर्म्स परफॉर्म्ड परफॉर्म की हैविंग परफॉर्म तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही द ऑडियंस वॉज द क्लाउंस एंड परफॉर्म देयर एक्ट नेक्स्ट है वी मस्ट सपोर्ट टू द पीपल वी मस्ट सपोर्ट टू द पीपल हिट बाय द साइक्लॉन कॉन्ट्रीब्यूट इम्पैक्ट की द एग्जैक्ट रीजन फॉर देयर डिसएग्रीमेंट येट टू बी मेड पब्लिक इज आर हैड की बॉस तो ऑप्शन नंबर बी आर नेक्स्ट ट्वेल्थ चूज द करेक्ट एंटोमिनियस एंटो ने बताना है कलरफुल सिमिलर होमोजेनियस की डिफरेंस तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा होमोजेनियस जो है हेट्रोजीनियस का अपोजिट होता है नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोमिन ऑफ द वर्ड रिवील नेक्ट ओपन कंसेल की डिस्ट्रॉय तो रिवील का जो करेक्ट सिनोमिन होगा वो क्या हो एंटोनोमी पूछा है सॉरी तो सी हो जाएगा कंसील नेक्स्ट ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड जो वो जो कि गॉड पे बिलीव नहीं करता है तो थीस्ट बोलते हैं बोलते हैं एथिस्टिक की फैनेटिक तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज एथिस नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज डिफरेंट टू द पेंस एंड प्लेजर ऑफ लाइफ तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टॉकिक क्रिटिक साइनिक की सैडिस तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका सही स्टॉकिक नेक्स्ट है डिजीज़ विच स्प्रेड्स बाई कॉन्टैक्ट ऐसी डिजीज़ uh, जो कि बहुत लोग के कॉन्टैक्ट में आने से क्या है स्प्रेड होती है इनक्योरेबल इन्फेक्शियस कंटेजियस की फैटल तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज इन्फेक्शियस नेक्स्ट है ए डॉक्टर हु ट्रीज द डिजीज ऑफ स्किन को क्या कहा जाता है ऑफ्तोमोजिस्ट डर्मोटोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट पेड्रिटिश तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा डर्मोलॉजिस्ट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही नेक्स्ट है एटीन आई वर्किंग ऑल आफ्टर एंड हैव जस्ट फिनिस्साइनमेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही है रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू हैड वॉस्ट की वॉच वो रोहन क्या कर रहा था रोहन हैड वॉच द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू नेक्स्ट है ट्वेंटी है एवरी स्टूडेंट डैश प्रेजेंट इन क्लास ईयर स्टडी तो हम क्या लगाएंगे इज प्रेजेंट आर प्रेजेंट की प्रजेंट प्रेजेंट तो ये की बात यहाँ पर कर रहा है तो क्या हो जाएगा एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास ये सी ऑप्शन सही नेक्स्ट है ट्वेंटी वन है ए डैश ऑफ पीपल गैदर्ड आउटसाइड द बिल्डिंग ट्रॉप बैन फ्लॉक की क्राउड तो

ए पर्सन हु इज चेरिस्ट ए पर्सन हु इज़ ऑनाइंग ए पर्सन हु लीवस अलोन की ए इंट्रो पर्सन तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर आपको फ्रेज का मीनिंग बताना है तो ए पर्सन हु इज़ चे ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है ट्वेंटी सिक्स है इन द ब्लैंक्स वी विल बी स्टेइंग इन मुंबई डैश नेक्स्ट सटरडे फ्राम बाई टिल की ड्यूरिंग दो वी विल बी स्टेग इन मुंबई टिल नेक्स्ट सटरडे सी ऑप्शन नेक्स्ट है

चांस अपॉन टू री कलेक्ट टू बिकम पॉपुलर टू मीट समन बाई चांस टू अटैक समर बी टू बिकम पॉपुलर नेक्स्ट है वॉट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेशल वर्क फॉल अ पार्ट टू ब्रेक इन टू पीसेज टू रीट्रीट टू एबलेग्री तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल टू ब्रेक इन टू पीसेज थर्टी वन है वॉट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन लुक आफ्ट टू फाइन टू टेक केयर टू कन्वर्ट तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू टेक केयर इज़ द मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर नेक्स्ट थर्टी टू है स्पेशलिस्ट हुई साइट को क्या कहा जाता है ऑप्टिशियन पेडाटिशियन न्यूरोलॉजिस्ट की आइस्यूथोलॉजिस्ट तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्टिशियन बाई नेक्स्ट मंथ वी शेल डैश द प्रोजेक्ट हैज़ कम्प्लीटेड कम्प्लीटिंग कम्पलीटेड की हैव कम्प्लीटेड तो बाई नेक्स्ट मंथ क्या होगा वी शेल हैव कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट डी ऑप्शन नेक्स्ट है चूज द सिनामिन ऑफ एबंड जॉइन फॉर शेक की मीन तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉर शेक नेक्स्ट है सेलेक्ट दर्ड विच इज सिमिलर टू मीनिंग टू एरोनियसोंग एनो अनगरेज की वीक तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही नेक्स्ट है टूज द वर्ड विच इज अम विथ प्रोलोंग एक्सटेंड इंक्वायरी वे

पैरिश डिशाम एडॉम की तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज डिस्फिगर लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं चूज द करेक्ट एंटोमिन ऑफ द वर्थ स्टेगनेट इनर्शिया प्रोग्रेस मोबाइल की तो ऑप्शन नंबर सी मोबाइल ठीक है ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा सिंपल पूछे गए थे और अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है किसी भी माइनर पेपर का तो आप ज्वाइन कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो जो बच्चे भी माइनर पेपर से परेशान हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ठीक है वहाँ तक भी ये पहुँच सके टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा वहाँ से आप उस लिंक को टच करके ज्वाइन हो सकते हो और पर्सनली आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो ठीक है कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के थ्रू टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे पूछ सकते हो ओके थैंक यू